हेलो गाइस गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्जर के रिलेटेड्स। तो यहाँ पर गाइस मैं कुछ एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर अब जैसे गाइस मुझे बहुत सारे एसएमएस मिले हैं और उन पर हमें बताया है कि गाइस हमें जो है अपने मोबाइल को 100% चार्जिंग पर से हटाना चाहिए या फिर 70% चार्जिंग पर से हटाना चाहिए। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप 90% या 100% पर निकालते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका मोबाइल बिल्कुल सेफ़ है। और अगर आप रात को भी अपना मोबाइल लगाकर सो जाते हैं और दिन में उसको निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जैक और आपका चार्जर दोनों ही सेफ़ रहेंगे। बस गाइस कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं, अब मान लीजिए आप सैमसंग का यूज़ कर रहे हैं तो सैमसंग का डिवाइस इतना कंफर्टेबल नहीं रहता है, मैंने बहुत जो है उस पर गौर किया है। तो सैमसंग का मोबाइल बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है इन चीज़ों पर, जो है शॉर्ट सर्किट लगने के बाद उसका जैक शॉर्ट हो जाता है और शॉर्ट होने के बाद गाइस हमारा पूरा मदरबोर्ड ही शॉर्ट हो जाता है। तो गाइस मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका सैमसंग का मोबाइल है तो गाइस आप उसको पूरी रात ना लगाएं और ज़्यादा शॉर्ट सर्किट में ना लगाएं, क्योंकि ज़्यादा अगर आपकी लाइट ज़्यादा कम होती है तो उसमें दिक्कत हो सकती है आपके मोबाइल की। तो अगर सैमसंग का मोबाइल है तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। बाकी अगर आपके पास MI का मोबाइल है या फिर लेनोवा का या माइक्रोमैक्स वगैरह के जो फ़ोन हैं, ये कंफर्टेबल होते हैं इतना कि रात को झटका झेल लेते हैं इस चीज़ों का। अगर आप उन पर 70% चार्जिंग करें या 100% चार्जिंग करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितनी चार्जिंग करेंगे उसमें आपका फ़ायदा ही है इसके अंदर। अगर आप 70 पैसे निकाल लेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, अगर आप 100 पैसे निकालेंगे तब भी कोई नुकसान नहीं है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान देना है और दूसरों की बातों में नहीं आना कि 70% पर चार्जिंग निकाल ली तो आपका मोबाइल जो है सही रहेगा, अगर 100% से निकालेंगे तो आपकी जो बैटरी है कम चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। नोटिफिकेशन के थ्रू हमारी बैटरी चलती है, अगर आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन ज़्यादा आती हैं और नोटिफिकेशन आने के बाद आपका जो फोर्स रहता है, जो आपकी प्लेबैक रहता है, बैकग्राउंड डेटा रहता है, वो ज़्यादा यूज़ होता है, तो ज़्यादा यूज़ होगा तो आपकी बैटरी कम चलेगी। अगर आपकी बैटरी कम चलती है तो आप उनको बंद कर दीजिए। बाकी चार्जर में कोई मिस्टेक नहीं रहती, वो चार्जिंग जितनी करता है इतनी आती है। नॉर्मल चार्जर थोड़ा कम करता है लेकिन चार्जिंग जो आपकी सही करता है। अगर आपके मोबाइल में 1% बैटरी है तो उस पर आप ओरिजिनल चार्जर लगाएंगे तब भी 1% होगी, और आप जो है लोकल चार्जर लगाएंगे तो 1% हो गए। हाँ, इतना अंतर होता है गाइस कि वो लेट भरता है और जो आपका ओरिजिनल चार्जर रहता है वो काफ़ी फास्ट भर देता है, इतना अंतर होता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता। तो चार्जर में तो ऐसी बात नहीं है, अगर आप 70 पैसे निकालेंगे या 100 पैसे निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इस मेरे एक व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था, कल पूछा था और इससे पहले भी कई जनों ने पूछा था कि हमें 100 पैसे निकालना चाहिए या 70 पैसे निकालना चाहिए। तो मैं आपको यही बताऊँगा कि आपकी मर्ज़ी है, आप कितने पैसे भी निकाल लें, क्योंकि आपके जो डिवाइस आ रहे हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपके सैमसंग का मोबाइल ना हो, क्योंकि सैमसंग का मोबाइल बहुत जल्दी शॉर्ट हो जाता है। तो सिर्फ इसी चीज़ का आपको ध्यान देना है, बाकी आप उसको पूरी रात लगाइए, पूरे दिन लगाइए, आपके मोबाइल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।